Subscribe to the Top 5 Bollywood channel and press the bell icon for latest updates. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टॉप 5 बॉलीवुड चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड स्टार्स हु चेंज देयर रिलीजन। एआर रहमान। काफी लोगों को पता नहीं कि लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान एक हिंदू थे और उनका नाम दिलीप कुमार था, पर एआर रहमान ने इस्लाम रिलीजन अपनाने के बाद अपना नाम अल्लाह रखा रहमान रख लिया। अमृता सिंह एक सिख फैमिली में पैदा हुई, पर उन्होंने सैफ अली खान से शादी करने के बाद अपना धर्म बदल लिया और मुस्लिम बन गई। सैफ अली खान के पेरेंट्स इस शादी के खिलाफ थे। 13 साल की शादी के बाद दोनों ने डिवोर्स ले लिया। पता नहीं अभी अमृता सिंह मुसलमान है या फिर उन्होंने वापस सिख धर्म अपना लिया। धर्मेंद्र की पहली पत्नी मुस्लिम थी। जब धर्मेंद्र ने उनके प्यार हेमा मालिनी से शादी करने के बारे में अपनी बीवी को बताया तो उन्होंने डिवोर्स देने से मना कर दिया। इसलिए धर्मेंद्र अपनी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से शादी करने के लिए मुसलमान बने और अपना नाम दिलावर खान केवल कृष्ण रखा। शर्मिला टैगोर एक खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस है। अपने प्यार मंसूर अली खान पटौड़ी से शादी करने के लिए ये मुस्लिम बनी और अपना नाम बेगम आयशा सुल्ताना रख लिया। हेमा मालिनी। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल को जब धर्मेंद्र से प्यार हुआ तो उनसे शादी करने के लिए हेमा मालिनी भी मुस्लिम बनी और 21 अगस्त 1979 को अपना नाम आयशा बी आर चक्रवर्ती रख लिया। हेजल कीच एक क्रिश्चियन घराने में पैदा हुई, पर क्रिकेटर युवराज सिंह से प्यार में पड़ने के बाद उनसे शादी करने के लिए हेजल कीच ने अपने धर्म क्रिश्चियन छोड़ के सिख अपना लिया और अपना नाम गुरबसंत कौर रख लिया। आयशा टाकिया। बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस ने अपना धर्म शादी के लिए बदल लिया। आयशा टाकिया ने अपने रिलीजन छोड़ के मुसलमान बनी ताकि वो अपने प्यार फरहान आजमी से शादी कर सके। इनका निकाह 2009 में हुआ। दिव्या भारती एक हिंदू घर में पैदा हुई और वो अपने धर्म की काफी इज्जत करती है, पर जब उन्हें साजिद नाडेवाला से प्यार हो गया तो उनसे शादी करने के लिए दिव्या भारती मुसलमान बनी और अपना नाम सना रख लिया। नगमा ने कई साउथ इंडियन फिल्म की है और इन्होंने काफी भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है और 2008 में इन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपनाया। इनका कहना है कि हिंदू धर्म में पैदा होने के बावजूद इन्होंने भगवान को बाइबल में पाया। नगमा का कहना है कि जीसस क्राइस्ट ही उनके लाइफ के सुपरस्टार है। ममता कुलकर्णी एक हिंदू धर्म में पैदा हुई, पर अपने बॉयफ्रेंड विक्की गोस्वामी से शादी करने के लिए वो मुस्लिम बनी। विक्की गोस्वामी यूएई के जेल में थे और जब उन्होंने इस्लाम को अपनाया तो उनकी सजा कम हो गई। विक्की से शादी करने के लिए ममता भी मुसलमान बन गई। महेश भट्ट को आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान से प्यार हो गया, पर महेश भट्ट की पहली बीवी ने उन्हें डिवोर्स देने से मना कर दिया, तो बिना अपनी पहली बीवी को छोड़े महेश भट्ट मुसलमान बने और सोनी राजदान से शादी कर ली। नयांत्रा। क्रिश्चियन धर्म में पैदा होने के बावजूद अपने प्यार प्रभु देवा से शादी करने के लिए नयांत्रा ने हिंदू धर्म अपनाया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके सपोर्ट जरूर कर देना और हमें नीचे कमेंट करके बताना कि इन बॉलीवुड कपल्स में से आपका सबसे फेवरेट जोड़ी कौन सी है।